Describe healthcare delivery system of class 10th chapter 1st का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्टिंग स्टाफ्स इन द हॉस्पिटल के बारे में कि हॉस्पिटल में कौन कौन से सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं। हमारा पहला आता है कैटरिंग एंड फूड सर्विस। दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड कैटरिंग एंड फूड सर्विस टू इन पेशेंट एंड एकॉम्पनिंग इंडिविजुअल एज वेल एज हॉस्पिटल स्टाफ्स। इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंट होता है वो पेशेंट को हॉस्पिटल स्टाफ्स को फूड प्रोवाइड करवाता है। जो भी हॉस्पिटल में खान पान से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो सारा फूड सर्विस डिपार्टमेंट देखता है। हमारा दूसरा आता है सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। दिस डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन अप्लाइंग पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर रिलेटेड टू सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड हॉस्पिटल स्टेरिलाइजेशन। ये जो डिपार्टमेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के द्वारा हॉस्पिटल के जो बैक्टीरियाज हैं, जो जर्म्स हैं, उन्हें किल करके हॉस्पिटल को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद से हमारा आता है क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री। दिस डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन ऑपरेशन प्रोसीड्यूर दैट विल द हॉस्पिटल क्लीन एंड प्रोवाइड लॉन्ड्री सर्विस। दिस डिपार्टमेंट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लॉन्ड्री सर्विस के लिए। जो भी डर्टी क्लोथ होते हैं जैसे पेशेंट के हो गए या फिर बेड के जो भी क्लोथ होते हैं उन सबको क्लीनिंग करने के लिए लॉन्ड्री में भेजा जाता है और ये डिपार्टमेंट उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि क्लीननेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारा आता है एजुकेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट। द एक्टिविटीज ऑफ दिस यूनिट इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कोर्सेज एंड प्रिपेयरिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। ये जो डिपार्टमेंट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए और ये प्रिपेयर करता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स जिसके वजह से डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर यानी कि जो पीपल्स हैं उनके मैन पावर को डेवलप करने में ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा फिनेंशियल डिपार्टमेंट। ये जो फिनेंशियल डिपार्टमेंट होता है ये जो भी वर्क होते हैं रिलेटेड टू बजट इन द हॉस्पिटल उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि प्रिपेयर्स मंथ पेरोल्स एंड मंथली वेजेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जो भी मंथली वेजेज होती हैं वर्कर्स के या फिर ऑपरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स या हॉस्पिटल से जो भी हॉस्पिटल के जो भी मेंटेनेंस होते हैं वो फिनेंशियल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। जो भी इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं या नहीं हैं उन सारे चीज़ों के लिए अवेलेबल करवाने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में वो उन सारे चीज़ों को अवेलेबल कराने के लिए जो मनी होता है वो फिनेंशियल डिपार्टमेंट देता है। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट वर्क ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू वर्क इन ऑल स्पेशलिस्ट रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। यानी कि जो भी हॉस्पिटल में ह्यूमन्स रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारा उन सारे चीज़ों के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। इट अप्लाई पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर दैट कीप अप द राइट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को हॉस्पिटल में मतलब कितनी एम्प्लॉयज को हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है, किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, उन सब चीज़ों को जो पीपल्स को प्रोवाइड करवाता है हॉस्पिटल में वो डिपार्टमेंट उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं इन द हॉस्पिटल में उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है हमारा लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक। दिस डिपार्टमेंट अंडरटेक्स लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेशेंट सीकिंग मेडिकल केयर्स इन द हॉस्पिटल एंड प्राइमरी केयर क्लिनिक्स। जो भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए
चेकअप होते हैं वो सारे लेबोरेटरी में होते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता है तो उसे प्रोवाइड जो डिपार्टमेंट करवाता है वो ब्लड बैंक होता है। ये जो लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक होता है ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी कोई भी चेकअप है पेशेंट का करवाना है तो वो लेबोरेटरी में होता है और पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड करने के लिए ब्लड बैंक हेल्प करता है। इसके बाद आता है हमारा मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।